किधर चलना है ओ गरम टाइम के ना है मैंने ये नसी रात दे तेरे बजे तो साढ़े घर पिज़्ज़ा बन रहा है एक गरम है ना चाके प्लेट च रखो पिज़्ज़े वाली आ जा मुंह का तो बने आ आवे भाई आ प्लेट दे विच रख ला लो जी साढ़े गरमा गरम पिज़्ज़ा रेडी है नवी पेल हाथ ये कर हाथ सी हाथ बांद्री जी हट ओह शिट ओए मैं तो गुड मॉर्निंग कह दी बाहर आई थी बाहर तो धूप निकली होगी ये तो पकौड़ों वाला मौसम बना पड़ा है चल कोई नहीं छतरी लेके जाना पऊगा अच्छे सत श्री अकाल जी सारे नू वेलकम टू आवर चैनल नव हैप्पी फुल्लर बड़े दिन बाद मीह देखा वैसे ऑलमोस्ट स्नो या फ्रीजिंग रेन ही पैंदी नहीं मौसम हुण थोड़ा सही होने लग गया उम्मीद करते हैं सारे वधिया होणगे ओ सच देखी मैं ना वीडियो बनाउण लग गई भुल गई काम कहड़े आई मैं गड्डी स्टार्ट करना ही सी हुण छतरी चाहीदी आ काफी तेज बन रहा है हैप्पी मीह पई जांदा मीह काफी तेज आ काफी पई जांदा हां जी चल जामनी स्टार्ट करे हां जी मैं छतरी लेके चलदी हां टोपियां दस घरे टोपियां किनिया पहला दस घरे टोपियां किनिया ने दस आईडिया दस हां ते फिर एवं कह कि टोपी कदों चेंज करनी मेरी बेइज्जती कराने पहुंच गए हाय नवदीप आ तेरी छतरी दा चित्त आ रहा है मेनू ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ ਇੰਨਾ ਖਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੀ ਆ ਨਹੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਯਾਰ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੀਂਹ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਧਵਾ ਲੈਣੀ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਮੀਂਹ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਬਟ ਮੈਂ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਵਾਵਾ ਜੰਮੀ ਪਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਮੈਂ ਟੱਚਲੈਸ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਨਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰੀ ਵੀ ਗਿਆ ਪੰਜ ਛੇ ਵਾਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਪਊਗਾ ਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹਾ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਢਿੱਲੀ ਜਿਹੀ ਪੈ ਜੂਗੀ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੀਨ ਹੋ ਜੂਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਧਵਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਘਰੇ ਸਾਰੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਸਾਰੇ ਉਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੀ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੋ ਹੀ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਪੋਲੀ ਪੋਲੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਸ ਹੁਣ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਖਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੀਂਹ ਆ ਵਾਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਧੱਕੇ ਖਾ ਗਏ ਫਿਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵਦੀਪੇ ਸਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੁਣ ਨਵਦੀਪੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਚੱਲੀਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਦੀ ਸਹੇਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਈਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਸਹੇਲੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਤੇ ਖਾਣ ਜਾਣਾ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾੜੀ ਗਾੜੀ ਲੜਾਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਮੇਰੀ ਬਕਵਾਸ ਸਹੇਲੀ
ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਖੁੱਲੜ ਵਾਲਾ ਪੀਜਾ ਉੱਥੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪਿਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲੜ ਵਾਲਾ ਖੁੱਲੜ ਖੁੱਲੜ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿ ਖੁੱਲੜ ਲੈਮਨ ਤੋਂ ਉਹ ਤੇਰੀ ਰਾਜਵੀਰ ਆ ਦੇਖੀ ਇਹਨੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਹਣਾ ਸੇਮ ਇਹਦੇ ਮੂਰਗ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਬਈ ਹੁਣ ਖਾ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ राजवीर कौर की लेके आई कुल्लड़ पिज्जा नहीं है मजाक हो रहा है पी लो उतो तो मैं झुंडे झंडे खिल लगे मैं फोन ऑन किया पर मेरी हेयर स्टाइल खराब है जी हां ताइयो मैं देन करे की कीता हैन एक ओरी ना थ्रेडिंग देख दी ना सेली चक दी चलो वादिया सिरा लाया थी मेकअप तो बहुत घट कर दिया सारे आया करो इस चली कोले ਨੋ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਨਾ ਡੇਟਾ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਲਗਵਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮੈਥ ਦਾ ਪਰ ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 30 ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਰੀਲ ਪੂਰੀ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਨੇ ਖਵਾਇਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਉਹ ਚਾਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਪਤਾ ਹੀ ਚਲੋ ਬ੍ਰਹਮਲੀ ਚਲੀਏ ਬ੍ਰਹਮਲੀ मी कहते ने मेरे वीरे जोरां नाल पै रहा है तो हुण आपां चलिया ब्रहमली थोड़ा शो तो है साडा 10 बजे सो वी हैव इनाफ टाइम सो ब्रहमली चों एक दो चीज़ां लैनियां सौदा पत्ता थोड़ा जिहा कपड़े ही मिल जाए सौदा पत्ता तो कहड़ा मिलना सो वह लैके फिर आपां केरां घरे जाने नवदीप दी बोली केरां ओके सी यू दैन ओ वाह नेरे च शगल ही बड़ी भैड़ी आण दई मेरी ठंडा जूस फिर इन्दा कहना मेरे सवेर नूं गला खराब हो गया ना क्या मेरी शर्त मेरा गला पहले खराब है इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी होर नहीं मेनू कुछ पता है ना वो मैं गड्डी लिसक गई थोड़ी थोड़ी होर नहीं मैनू कुछ पता ये साडा पुराना एरिया साडा तां कादा मतलब इत्थे जिथे मैं आके सब तो पहला रहा जिथे साडी पहला घर हुंदा सी घैंट सी ए एरिया बहुत ज्यादा उस 15 मिनट दी वॉक मारदी हां बस उथे ना 15 मिनट दी उदो बस ते चलन दी पता जे वी हुंदा इहनू बस ते जाणा ही पैंदा सो 15 मिनट दी वॉक हुंदी सी ते सर्दियां च अपने ते कुल्फी बन जाणी सर्दियां च थोड़ा कम खराब हो जांदा वॉक वूक वाला नहीं ते बहुत जिद्दां ना घैट घैट जे एरिया इतने फीलिंग आती कैनेडा के रहने है ना लेक वगैरह भी सी घैट जी रोज शाम गर्मिया च उत्थे चले जाना स्वाद आ जाता है मतलब एरिया वह भी नहीं माड़ा हर एरिया आप अपनी थान पर कि जिदा ना वो थोड़ा जहा पुराना जहा एरिया आ तो यह नवा जहा एरिया आ कि ये फर्क आ बट बहुत घैट एरिया ही लगता हाँ इधर स्टूडेंट रहते उधर सारे सीनियर स्टूडेंट वगैरह घट ने उधर
सामने सिनेमा हॉल कुछ नहीं देता वे धुंद जी इत्थे आपां जाणा हां चल मैं आलडो जाना ही आलडू बंद आलडू हूँ कनेडियन टायर चल गया मैट्रो भी जाना चौथा स्टोर है साडा चल हूँ नहीं आया कनेडियन टायर हूँ इतो आई मैं नवदीप ने वादा किया कि तेरे समूथी लैके देनी हूँ इतना नवदीप समूथी वो समूथी नहीं समूथी मेकर समूथी मेकर मैं बिल उथे रख कल बिल है अज ये भी खरीद लिया सुट दे जिदन छुट्टी हुंदी ना मल्ला लिया हिसाब भला एक छुट्टी हो दो छुट्टियां चार छुट्टियां तीन चार सौ डॉलर एक छुट्टी वाले दिन मतलब कि नॉर्मली जोड़ा लग ही जाता है खर्चा काफ़ी हो जाता है मैं ना मैं छुट्टी करनी है बंद कर कहते ने समान तो समान चक्की आन देने मुंडे चक्के फटी आन देने यही नहीं देने नॉर्मल सिंपल ब्रैड ब्राउन ब्रैड लेने बस बेरी ब्रैडो ब्रैड ब्रैड ब्रैडो 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 ना ब्राउन लैने पूरा चाहिए लै लो आ देखो फैमिली कार का यह हाल हों सिनेप्लेक्स अंबरसर सिनेप्लेक्स च वेख के आई नहीं होंगी चाहिए चाहिए अंबरसर छेती सून 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 गैट वैल वेरी सून चलिए कनेडा के थिएटर ना इंडिया नालों वड्डे आ बैटर भी आ बस इतने हर बार दस दौ इतने स्पीकर नहीं है मैं भी याद हो गया इतने एको चीज़ की कमी है कि जो अपने इंडिया गाना चलता ना कोई बड़म बड़म होंगी वो स्वाद आ जाता फिर अंदर गाना सुनता है ना इतने नहीं इतने बुझी बुझी जी इतने मैं एक और चीज़ भी नोट की है कि पता नहीं मैं जिन्हें भी अज तक है ना पार्टियां पुटी घर होम थिएटर जो लाए होंगे ना उन्होंने आवाज ही नहीं होंगी फुल आवाज तो जमा स्पीकर जमा ही फोन पर होंगे ए लगते पता नहीं मैं ही हजे तक ओह जी वेखिया कि पता नहीं सची मुची इदा का सिस्टम ए लगेगा कि आह की है उन चंगा तो अपना एक स्पीकर ही निका जहा लाया हो इंडिया ज्यादा आवाज होंगी इतने होम थिएटर जो वूफर तगड़े तगड़े होंगे उन्होंने आवाज़ ही नहीं होंगी
ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਮੂਵੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਵੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਵੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੱਸੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੋਈ ਅੱਜ ਇਹ ਮਨਾਰੀ ਫਿਰ ਲਾਸ਼ਰਤ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ ਰੋ ਪੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਆਂਦੇ ਰਵਾਰਵਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਾ ਹਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਫਿਲਮਾਂ ਵੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰੋ ਸਕਦੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉੱਠੇ ਤੋਂ ਤੁਰ ਜਾ ਕੀ ਪਾਪਕਾਰਨ ਫੁੱਲੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੂਵੀ ਵੇਖਾਂਗੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫੁੱਲੇ ਖਾ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਚੱਲੇ ਆ ਬਸ ਉੱਥੇ ਫੁੱਲੇ ਲੈਣ ਫਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਲੱਗੇ रविंदर सिंह ने घबरावलिया मेंटल टॉर्चर किया तेन अगे पहला भी पुछ चुका मैं फिर पुछ रहा मैं पक्की गल वेला साढ़े कु बारह हुए तो सारे कनिया डिग रही कनिया डिग दिया गड्डी जुतियां ना हारी तू मेरे तो पिछे भी पिया फिर सारे लोग हसते ने वेख वेख के हसी जाते खून मारे जो अगले हस गए झट चलो भाई चक ली समान समून करा मेरे तो दो ही हाथ जा फिर एक करी रख के वापस समान समान बाबा है बाबा कड़ना पैना पिछे डिग्गी च ना वड्डा लफाफा है मैनू कड्डन दे पानी वार बने दी कर वालिए बन्ना सौदा लेके आया आ आ इंदे सारा समान पता कांदा नबू कांदा सिर्फ स्मूथी दे सैंडविच बनाउन ली ते एडा वड्डा फफ भरया सिर्फ स्मूथी दे सैंडविच बनाउन ली फिर की हो गया हफ्ता चलूगा चंगा ते चलो भाई ये सी अपना व्लॉग हना मेरे हिसाब ना मूवी बहुत ज्यादा घैंट सी घैंट एवे आ ठीक आ मतलब मैं रिव्यू नहीं कोई देंदा मैं आप दा एक्सपीरियंस दस सकदा कि अपने पंजाबी फिल्मों में मोस्टली इदा हुंदा हासा पाई जाओ कुछ अलग जिहा कीता हटके जिहा कीता ठीक है सोनी है घंटा फिल्म तो मतलब मैनू घंट लगी मैं नहीं कहता कि नहीं घंट जो कुछ भी तो वधिया है फिल्म सो अलग जिहा टॉपिक छेड़िया है बड़ा एप्रीशिएट इदा दिया फिल्म आना चलो ठीक है हम आप मुँह तो ये घर गल करिए खाइए पीए सैन अज क्योंकि बहर का किन्नी है तिना चार थावान तो बहर का ही खा लिया मैं लगता चलो ठीक है भाई मिलते नवे ब्लॉग से सही ग्लैम बाय ना वाला पेज है ना जो नव ने पार्लर का काम घर शुरू किया है पार्ट टाइम जो भी कह लो तो जिन्होंने नहीं पता डिस्क्रिप्शन लिंक आ ग्लैम बाय नव 0746 तुम उत्थे जाके चैक कर सकते हो सारा कुछ तो ये चैनल ने सबसक्राइब किया होना तो बाकी फॉलो किया होना मेहरबानी